Thank you.
आप राज चल रहे, मेरी शरण आती है भगवान आपके सामने, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान, आप अपने लक्ष्मी का आनंद भूल रहे और मेरे लक्ष्मी पति भिखारी बनाओ, मेरे अपना ही भाव नहीं आता, मैं प्रति भी आंख उठा के देखने का परिणाम दिया, मेरी गति को क्या हो। अमृत आपके शासन है, क्या दवा करा दिया, सारा दृश्य दोस्त मुझे दिखता है अपना कि मैंने क्यों नहीं को पर्याय से दी, मैंने क्यों परिपूर्ण स्वभाव हूँ। देखते देखते वेदन हो रहा है तो हम इसका वेदन करने का लक्ष्य, जिसका अनुभव हो रहा है उस तरह ध्यान नहीं है। आवाल गोवाल सबको सदाकाल स्वयं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा क्या हो रहा अनुभव में
द्रव्य वो पर्याय लग ऐसा होता है क्या? जहाँ द्रव्य पर्याय, जहाँ पर्याय पर्याय में द्रव्य, द्रव्य की पर्याय ये अलग अलग ही। तो जहाँ जानना हो रहा वो आत्मा, आत्मा है वो, उसमें मैं तो हूँ। जब मैं मान करना क्यों नहीं मान, ये ठीक है बताए कि ये जीव ऐसा क्यों नहीं मान, इतने सरल जब आत्मा होना बराबर कुछ गलत नहीं जानते हो ना बराबर जानना मेरा नीचे। तो जानने की पर्याय में जानना हा बैठा है यहाँ बैठा, तो अगर आत्मा करना तेरे मुंह में रसगुल्ला है और वही जीव, जीव भी पुग गए रसगुल्ला भी पुग गए और तुझे रसगुल्ला का टेस्ट आ जाता है तो जीव का नहीं आता। हम एक उतरे रसगुल्ले का टेस्ट कैसे लेते हैं? क्योंकि उसका लक्ष्य करता है तो उसका स्वाद लेने ऐसे ही अच्छा है। जब ये जानदार है तो अगर इसे आत्मा दिखता क्यों है? क्योंकि ये देखता है। देखा जब अपने अंतर को, जब देखा ऐसा नहीं है कि ये दिख रहा है इसने देखा है, देखोगे तो देखोगे। थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि जगत की तरफ लक्ष्य ऐसा हो गया है कि जैसे चिपक गया, पर यहाँ पर सुनते सुनते नहीं लौट रहा, सुनने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगना भी विषय से होने जैसा होता है क्योंकि जीव को आत्मा अन्य फिर उसे सुनना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं रुकेगा ना तो एक ये भी काम करेगा। जिसने सुनने को पुरुषार्थ मान लिया है इसे आत्मा की गर्ज नहीं, नया रोग है कहना अच्छा नहीं लगता, बहुत मुश्किल से जीव आता है। धन्यवाद देता प्री चित्त से सुनता है तू भक्त की पाप पता ही होता है। अभी दरमियान में पाप पता नहीं है, ये तो तुझे ग्यारह नौ पूर्व के पढ़ाई को विकल्प है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं। वो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बड़ी बात नहीं, बहुत एक भाव ये तो प्रकृति के नाटक वैसे एक साथ बैठा दे एक झटका साथ अगर लगेगा बहुत की बात चल रही। ये प्रकृति ने तुझे बिठाला है आपके प्रसाद से, तू अपने को बैठा अपने ज्ञान पर्याय में रुचि में अपने जरूरत में सब महसूस कराओ। मन जानता है कौन इस चीज का गजती है पढ़ना था। जो अनादि मूल गुण अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिरूप और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर जैसे कोई पुरुष मिट्टी में रखे हुए सोने को भर गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर को परमेश्वर के गाली में क्या लिखा है सर्व सामर्थ्य के धारक को यानी भगवान आत्मा वो क्या हो गया है? आत्मा पाना कितना सरल है क्योंकि आत्मे को आत्मा पाना इसलिए सरल और आत्मे की आत्मा को रुचि पति पत्नी की दोनों की लड़ाई रुचि पूरी हुई हमें तुमसे कोई अब मेहनत यही कर दूसरे का कि मैं 5 बजे सवेरे ट्रेन से मुझे जाना है और मुझे 5 बजे जगह ऐसी चिट ली उसने और पत्नी के बिस्तर के पास रख भूलना है त्यागी अगर पत्नी ने पढ़ी टेंशन तो 5 बजे जाना तो जब 5 बज गए तो उसने भी एक चिट लिख के डाल दिए मिस्टर 5 बज रहे हैं आपको जग जाना चाहिए ऐसा गर्म हो रहा है। सुन रहे हो सुना रहे हो ये कुछ कह रहे हैं अपने साथ चल गए यदि वो पति पत्नी नाटक कर रहे हैं
किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी बहुत हो, परंतु लड़ाई किससे, अपनी कमजोरी से लड़ाई करनी अब नहीं बन रही बात। ऐसे ही ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम हो कौन परमेश्वर, क्या हो गया है भूल गए हो। सही द्रव्य है ना, समद्रव परमेश्वर है, प्राकृतिक, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत अनंत गुणों के धनी है। अपने अपने लक्षण स्वभाव को चतुष्टय में देखे, अपनी मर्यादा में रहते, कोई किसी को स्पर्श भी नहीं करता, अपने व्यवहार को स्वभाव को कोई छोड़ता भी नहीं है, बहुत अच्छा। यानी विश्व का स्वरूप बहुत, ये अपन को सर्वज्ञ देव से पता चला, इसलिए अपन महाभाग सा, किसी को दोष लगाने के लिए उंगली नहीं उठ सकते। कविता जिनने हमारा व्यवहार कर, जब वो तेरे क्षेत्र में शुद्ध जीवास की काय में आता नहीं तो तेरी शिकायत सब झूठी, कर्म महारी पूजो, अरे कर्म ने कभी स्पर्श नहीं किया, कर्म को दोष देना आता नहीं। अरे जी ने बहुत सुंदर बना भजन बनाए, यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए, ऐसी स्थिति में सुचेतन तुझे शाश्वत सपना मिल पाए, तुझे शाश्वत सपना मिल पाए, चेतन कर्माधीन नहीं है, मुझे गुरु की करी मोर। ये जैन शासन की शील लगी गुरुओं की देशना में ये मर्म है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, करता धरता भूलता नहीं है, सब द्रव्य न्यारे हैं। अब अनादि से आत्मा, अनादि से है ना आत्मा, अनादि से यानी जिसका कभी प्रारंभ नहीं, अज्ञान को थोड़ी लंबा तो अपन कहते हैं अनादि से आत्मा ही है कि अनात्मा भी हो, अनादि से आत्मा, आत्मा परमात्मा स्वरूप आत्मा है कि वैराग्य स्वरूप है। देखो हम कह रहे अपने परमेश्वर को भूल गया है, वो सब जानिश मूल रूपी अज्ञान से, और तीसरा शब्द है उन्मत्तता की कारण। मूल क्या कहलाता है, जैसा है वैसा तो दिखता नहीं, तो जैसा दिखता है वैसा लगाना अपने, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं दिखता, तो जहाँ ज्ञान दिखता है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ सुख दिखता अपने अपने से पूछना, जहाँ सुख दिखता वहाँ सुख नहीं है, तो जहाँ है वहाँ दिखता, जहाँ प्रभुता है जहाँ अपना घर है, जहाँ अपना वैभव है, जहाँ अपना बड़प्पन है, वो नहीं दिखता। यही तो हो गया मोर, ज्ञान क्या है कोई बताए सुनने दे, गुरुदेव जैसा की व्यक्तित्व इस काल में आया, महाभाग समझो कि कोई विदेश से मानो सिमंदर भगवान ने कहा हो जाओ तो तुम दर्श यहाँ क्या कर रहे, जाओ इन लोगों को जगाओ, ऐसा व्यक्ति है जैसे दो मुनिया जाए शेर को जगाने, ऐसे ही अपन सब शेर हैं और अपन सबको मुनिया जैसे अपने इस वेश में आया हुआ, बस जन्म का लिया श्वेतांबर मत में, क्योंकि यदि सीए दिगंबर हो जाता तो दिगंबरों को महिमा नहीं है और फिर श्वेतांबरों को कौन समझे, तो क्रांतिकारी जीव ही चाहिए ना प्रभु चाहिए। यहाँ प्रसाद से आए कमाल था, एक समय साल ने उनका जीवन बदल दिया, उन्हें एक समय साल मिला और उन्हें घर घर समय साल, उन्हें एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला और उन्हें घर घर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और सबसे बड़ी बात एक तत्व चर्चा घर घर जो लिखा था, घर घर चर्चा हो दुष्कृत दुष्कर जाते, ये सचमुच अज्ञान क्या कहलाता है, एक तो मूल ही किसी की जैसा मानता वैसा है आप ना, मेहंदी देखने में हरी है कैसे लाल, ये बर्फ कैसा दिखता है वो ठंडा, और है कैसा गर्म है, डॉक्टर लोग शिकायत करवा
यदि वो गर्म ना हो तो उससे सिकाई कैसे करना, ये सूरज कैसा देखता है, मैं आपसे आग का बोल और भीतर ठंडा है उसकी देवता रहती है, इस बार तो अपने भगवान अनंत विराज। ऐसे ये दिगंबर मुनि आप कैसे दिखते हैं, मल धारी देह मेरे पर है कैसे रतन से कटाए, ऐसे ये शरीर बहुत चिकना सुपरा दिखता है सुंदर पर है कैसा नरक की नाली जैसे, पर ये आत्मा कैसा दिखता बाहर में विकल्प में और है कैसा आनंद में ज्ञानानंद मूल में पागल है समझ नहीं आता बाहर कैसा और वास्तव में वर्तमान में कैसा है आगम बताता है सिद्धांत बताते हैं, ये जानने की बात और मानने की क्या है, जैसा दिखता नहीं है अव्यक्त है पर्याय के पीछे जिसे भगवान दिखाने के लिए मिले ऐसे स्वरूप को हमने आज तक नहीं जाना, उसे जीव दिखाते हैं कितने उपकारी हो कोई बड़ा में तस्कर दल के तस्कर दल समझते लुटे नोरी जन श्रद्धा को लूटते हैं गलत गलत समाते संसार ऐसी जीव अपने को जानता है, अगर अपने को न जान ले कैसे कैसे जगत में लुटे पढ़ाने वाले नहीं है, बोल से अज्ञान से उन्मत्तता उन्मत्तता है पागलता पागलता कैसे समझ में आता है, जैसे पागल आदमी होता है ना तो चिंदी कचड़ा कूड़ा सब इकट्ठा करता है, ऐसे ही ज्यादा समझदार खुद गलती ढेर इकट्ठे करता रहता है, एक प्लाट यहाँ एक प्लाट वहाँ एक मकान यहाँ एक मकान यहाँ ये मेरी बिल्डिंग ये मेरी पत्नी ये मेरा पुत्र ये मेरा शरीर ये मेरी इज्जत ये मेरा वैभव ये क्या कर रहा है, इसको पाग होता जो अपना एक परमाणु नहीं है वो इतने बड़े उद्घाटन करने का नहीं समझे दीपचंद जी से सेठी है प्रभु कहते हैं जिसे उद्गल में माल देखता है पर उद्गल का स्वामी नहीं है, अपना आत्मा का स्वामी बनता है पर इसमें मान लेते हैं इसलिए इसकी नजर बाहर था, जैसा जीवन आदि से भ्रम में था और भ्रम टूट सकता है इसलिए अपन को महामुनीश्वर मिले पागल था, यानी अपना आनंद भी बाहर अपनी इज्जत भी बाहर अपनी उत्कृष्टता भी बाहर, चार लोगों ने अपन को पूछा बहुत प्रसन्न हो जाता है माला पहना दी प्रसन्न हो जाता है, छह बार पागल कहा कि नहीं तोड़ नदी के किनारे कोई पागल अगर वहां पर एक पैगाम मालती पर आया और वो सारे लोग उतरे और उन्होंने वहां पार्टी दी और खाया पिया और जो माला के टूटे टूटे खोलते उसके ऊपर डाले जो झूठन बची थी उसको दी तो वो समझता है कि जैसे मेरा जन्म दिन मनाया जा रहा हो मेरा भाग यज्ञ है, और जैसे ही भी परिवार के लोग मारुति पे वापस गए करवाने में अरे मैं डर गया ऐसी हालत है बल्कि आप सोचेंगे तो रोना आ जाएगा, जैसे गुरुदेव की कृपा से अपन को तो हंसना परंतु अपना भूतकाल देखें तो रोने चला का क्या जैसे गायक सुनने में या समझने में क्या अच्छा लग रहा है, ऐसे ग्रंथ जैसे पुस्तक ऐसी सवाल महाभाग समझ लो आगे अपने को चैतन्य परमेश्वर नहीं जानते मन मत खराब से नहीं लेते अपनी भ्रांति से पागल लेता है जैसे पागल की चेष्टा होती ऐसी चेष्टाएं इसकी अनादि से अप्रति अत्यंत प्रति अत्यंत प्रति का उदाहरण दे रहे जिसका आप सबको विश्वास हो जाएगा समझ लो इंद्र भूति गौतम ऐसा व्यक्ति समझ लो आप मारा जो मुनि के ऊपर सर्व डालने के लिए तैयार है चेना का गुरु है इसके ऊपर डालो पांच सौ कुत्ते मुनि समाज में आता उसे मुनि जैसा क्या है जैन शासन भले भाई नदी नमुशी वेला
ईश्वर जी अपने ऐसे बता रहे कि ए बी सी डी नहीं जानते थे अल्फा बेट्स जैन शासक कह, पर ऐसे व्यक्ति एक बार में सुधर गए। अत्यंत प्रतिबद्धता 500 शिष्यों का स्वामी, चार वेद का धारी, जैन दर्शन से डिग्री सोच हो जिसने, जिसने कभी देवसार गुरु का नाम न सुना हो, पंच परमेश की न जानता हो, द्रव्य पर्याय न जानता हो, छह द्रव्य सात तत्व पांच स्थिका काल निश्चय कुछ नहीं जानता हो, और वो अभी गणधर बन के बैठ सकता है कि नहीं होता हो, ग्रुप के होता हो, किसी बेंच के अत्यंत प्रतिबद्धता और अनेक प्रगति से योग बनता है। विरक्त गुरु के द्वारा समझाया जाने पर अब ये भाग्य से मिलता है, ये गुरु का मिलना भी महाभाग। परंतु इस लाइन में हम क्या देखा है, गुरु कैसा होना चाहिए, उपदेश कैसा होना चाहिए और तुझे उपदेश से लाभ क्या है। इस लाइन में विरक्त गुरु मिलना एक उदय का क्या, जिस समय भाव पकता है तब ऐसा युद्ध प्रकृति में बन जाए, और वो गुरु तुझे क्या समझाएंगे, तुझे प्रयोजन भूत बात समझाएंगे, तेरा स्वरूप तुझे मुख करें, तेरी पर्याय बुद्धि को दूर करेंगे, हीनता दीनता के स्वर को अलग करेंगे और प्रभुता का परिचय करेंगे। भगवान है अरे साहब, मैं पापी अज्ञान ठीक करेंगे, घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, रात दिन आकुलता रहती है, वो कहते हैं कि आकुलता का तू ज्ञाता है, तुम आकुल नहीं, एक नई बात है। हम तो पंचम काल के कालाल का कोई जीव नहीं, हम तो संसारी हैं, जीव संसारी नहीं होता, जीव का चैतन्य होता। और ये बातें कहीं सुनने मिले, ये किसके मिलेगी, जो ऐसा स्वभाव देखता हो उसके मुझे राते आते माँ का चिंतन, मृदु संगासन में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर कायासी, प्रगट हो रहा अंतरहिन, भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, सो निश्चित है ज्ञानी नहीं पाया। एक तरह से निश्चित कर दिया कि आप आत्मा देख सकते, फिर घर गृहस्थी का क्या होगा, वो तो बहुत दुर्स्त है, लड़का लड़के बने रहेगा, उसकी योग्यता उसके साथ, उसका पुण्य पाप सब उसके साथ चल, तुम व्यवस्था पर नहीं बनाओ, तुम ज्ञाता हो, सर्वं सदैव नीतं भवति स्वकीय कर्मोदयां मरण जीवित सुख, पूरे तीन लोक की एकांत की सब जीव की हर अवस्था सुनिश्चित है। तुम्हारी वाणी ऐसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, ऐसा बोलने वाला पंचम काल में मिल गया ना भाग, घबराने नहीं, हमें मेहनत से देने की शादी कमा, अरे तेरे घर से काल आएगा काल को चल सकते, अरे नहीं हुई तो नहीं आया तो ब्रह्मांड सुन हो जाएगा, कोई जब लड़की जन्मे तो उसका पति भी उसके पहले जन्मे, तो काय की चिंता करे, ऐसा इतनी सोच में बैठा रहता है, मैं घर की चिंता है मंदिर नहीं जा सकता, घर की बातों को तो उदय के भरोसे छोड़, धंधे को पानी को शरीर को संयोग को, ये तुम्हारा विभाग है, ये तो दैव का विभाग, जिसने टिफिन में जो भर भर के लाया है टिफिन में वो भरेगा, परंतु टिफिन में रखा हुआ भोजन भी भूख नहीं मिटाएगा, टिफिन खोल के खाओगे तो भूख, ये प्रसाद की बात तत्व नहीं, एक टिफिन की बात उदय है। प्रीत रागे ताकी पुरुषक ही जिन्वानी करवाती है, ये
वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है उन गुरुओं के चरणों में मस्तक से हमें झुकाना। ये गुरु का सब वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने भगवान की निर्दोष निर्काम स्वरूप से आगवाद हुई वाणी से वस्तु स्वरूप का अध्ययन मनन करके जिनेन्द्र दर्शन से उसने निर्दर्शन किए कि निर्दर्शन से उसे जिनेन्द्र दर्शन मिले परमागम के सेवन से उसे आत्मा मिली कि आत्मा के सेवन से परमागम का स्वरूप समझ में एक भी बात काट के बता दो परमागम का सेवन नहीं करेगा तो तुझे स्वरूप कौन होता है और तू स्वरूप को वेदन नहीं करेगा तो परमागम में लिखा है वो कैसे मानेगा कि ये बात है। भगवान की वाणी निर्दोष होती है परमेश्वर स्वरूप को बनाने में निमित्त होती है अपने भगवान को उन्होंने बताया और ऐसी वाणी अपन को मिली इसमें गुरु हमारे जो मिले हैं वे हमें हमारा स्वरूप बताने के लिए था बहुत बड़े था और हमने उनके गुरु के निर्दोष स्वरूप को अपने लाभ के लिए सेवन नहीं किया तो हमें गुरु मिले नहीं। ऐसे गुरु का मेल प्रकृति ने बिठाया कैसे गुरु विरक्त विरक्त मान किसे थे घर छोड़ देने को पांच इंद्रिय के विषय छोड़ देने को स्वरस छोड़ देने को पत्नी को तो छोड़ देने को शादी नहीं करवाने को जिनवाणी ग्रहण ये कह रहे हैं कि इनमें कुछ दम नहीं है ऐसा आत्मा की बल से लगे तो इस तरफ जो उपयोग मर गया जाने तैयार नहीं है उसको खेती करते की बात चल रही मैं हूँ उसकी बात चल और मैं उनके बीच में अपन ने क्या क्या भर लिया था और वो क्या क्या बता रहे हैं मैं हूँ मैं अपन नहीं बन रखे मैं सुखी मैं दुखी मैं रंग मैं लाभ मैं मनुष्य हूँ मैं देवता हूँ मैं तेज हूँ आदि भर लिया और उन्होंने क्या किया मैं वह हूँ जो भगवान की पढ़ाई करा रहा है इसलिए चैतन्य आत्मा ज्ञाता भगवान परमेश्वर ऐसा सब बता दिया ये मैं हूँ यही मैं हूँ वो ही भी यही मैं हूँ आत्मज्ञानी भी है तो दोनों के कहने में अंतर है एक हूँ एक चोर के साथ भी चार पुरुष हो एक नेता के साथ भी चार पुरुष हो तो दोनों के साथ जो पुरुष चल रही है दोनों के जीवन में अंतर होगा कि नहीं ये मैं हूँ ये कहाँ से हूँ आत्मज्ञानी जीव कहाँ से मैं हूँ जो वास्तव में हाँ से जीव की ओंकार से जीवन परिवर्तित ये अपने परमेश्वर को भूल गया इसका कुछ जुगाड़ हुआ नहीं परमेश्वर इसलिए कहा क्योंकि इस जीव को प्राकृतिक जो सौंदर्य मिला है अस्तित्व मिला है ये किसी ने बनाया नहीं कुदरती ज्ञान मई चैतन्यमयी प्रभुता लिए भगवान सहज ही परमवंशी वस्तुस्थि स्वतः सिद्ध यथा तथा स्वतः परिणाम जैसे वस्तु स्वयं सिद्ध है जैसे इसका परमवंशी स्वभाव अब करने लायक तो कुछ रहा नहीं परंतु बहुत बड़ा काम ये है कि जीव को जो अपना विस्मरण हो गया है जब इसे ऐसा लगने लगता है कि मैं हूँ अज्ञानी के ज्ञान में ऐसा ईर्षात्मक प्रश्न उठना कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है मैं पर इससे हटके ऐसा प्रश्न ही उसे आत्मा दिलाने में निमित्त अपना अस्तित्व समय हो गए ये छोटा सा उदाहरण कि अनुभव प्रकाश जिसने पढ़ा उस चापा गांव कहाँ खड़ा है अपने घर
पर अपने ही घर में पूछता है चापा है कि नहीं, ऐसा पूछता है। तो पत्नी समझ गई कि ये लग गई है कुछ ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि है आराम आराम करा दी। और सभी ये पूछा कि चापा ग्वाल कहाँ, तो पूछ रहे हैं कि चापा ग्वाल है, मैं थोड़ी पूछ रहा वो पूछ रही। ऐसी जीव है तो आत्मा शाश्वत परमात्मा नहीं देगा शाश्वत देव नहीं चढ़गा जरा सी मिठास में। इतने बड़ी चैतन्य का अनादर होता है, हमें कुछ भी रस आता है मलाई का आइसक्रीम का भेदों का भोगों का, उसमें जोरदार गैर का अनादर छिपा रहता है। हमारे भगवान प्रति समय आप ऐसा सोच करो कि सिद्ध भगवान प्रति समय अनंत आनंद हो गए तो आत्मा कैसा हो। ये कल्प वृक्ष वैसा इससे यदि तुमने गलत डिमांड कर दी तो गलत जगह पहुंच जाओ। इससे तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसी भावनाएं जीव के जीवन में आएंगी, तो जीवन नहीं सच्ची सच्चा Amen.